दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। हमारा देश भारत कई अज्ञात रहस्यों से भरा पड़ा है। क्या आप किसी ऐसे भवन की कल्पना कर सकते हैं जिसकी छत से तपती हुई धूप में पानी टपकने लगे और बारिश की शुरुआत होते ही जिसकी छत से पानी टपकना बंद हो जाए? सुनने में तो यह घटना बिल्कुल अविश्वसनीय लगती है, लेकिन ये एक हैरत अंगेज सच है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित भगवान जगन्नाथ के प्राचीन मंदिर की, जिसकी छत से धूप में पानी की बूंदों के टपकने और बारिश में छत के सूख जाने का रहस्य दफन है। यहाँ के लोग बताते हैं कि बारिश होने से 6-7 दिन पहले इस मंदिर की छत से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। इतना ही नहीं, जिस आकार की बूंदें टपकती हैं, बारिश भी उसी आधार पर होती है। अब लोग इस मंदिर की छत टपकने के संदेश को समझकर जमीनों को जोतने के लिए निकल पड़ते हैं। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही बारिश शुरू होती है, छत अंदर से पूरी तरह सूख जाती है। मंदिर की प्राचीनता और छत टपकने के रहस्य के बारे में मंदिर के पुजारी ये बताते हैं कि पुरातत्व विशेषज्ञ और वैज्ञानिक कई दफा यहाँ का नामकरण करने आए, लेकिन इसके रहस्य को आज तक नहीं जान पाए हैं। अभी तक बस इतना पता चल पाया है कि इस मंदिर का निर्माण करीब 11वीं सदी में किया गया था। मंदिर की बनावट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की तरह है। इसकी दीवारें 14 फीट मोटी है, जिससे इसके सम्राट अशोक के शासन काल में बनाए जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं मंदिर के बाहर मोर का निशान और चक्र बने होने से चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन के कार्यकाल में बने होने का अनुमान भी लगाया जाता है, लेकिन इसके निर्माण का सही अनुमान आज तक कोई नहीं लगा पाया है। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर बहुत पुराना है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ और सबुद्रा की काले चिकने पत्थरों की मूर्तियां विराजमान हैं। प्रांगण के सूर्यदेव और पद्मनाभम की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। जगन्नाथ पुरी की तरह यहाँ भी स्थानीय लोगों द्वारा भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। लोगों की आस्था मंदिर के साथ बहुत गहराई तक जुड़ी है। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।